दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम का अहम हिस्सा बन चुकी सविता पूनिया आज अपने खेल से सभी जगह पहचानी जाती है। वो वुमेन हॉकी टीम में बतौर गोलकीपर की भागीदारी निभा रही है और उनके खेल को देखते हुए वॉल ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम भी कहा जाता है उन्हें। सविता पूनिया को हर परिस्थिति में भारतीय महिला हॉकी टीम के साथ मजबूती के साथ खड़ा देखा जाता है और इसलिए ही उन्हें ये नाम दिया गया है। ओलंपिक में सविता पूनिया का खेल प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा। सविता पूनिया को काफी धैर्यवान माना जाता है क्योंकि वे गोल की स्थिति में पहले सिचुएशन को अच्छे से समझती है और उसके अनुसार ही कोई कदम उठाती है। अधिकतर मौकों पर सविता के फैसले सही भी साबित होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सविता पूनिया के जीवन से जुड़े सभी किस्सों के बारे में, उनके खेल कैरियर और उनके जीवन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों सविता पूनिया का जन्म 11 जून 1990 को हरियाणा में हुआ था। वे भारतीय वुमेन हॉकी टीम का अहम हिस्सा हैं और हरियाणा से महिला हॉकी की खिलाड़ी के रूप में अपना खेल दिखा रही हैं। वे महिला हॉकी टीम में एक गोलकीपर हैं और साल 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। सविता पूनिया को बचपन से ही हॉकी का बड़ा शौक था और उन्हें हॉकी खेलने के लिए उनके दादाजी महेंद्र सिंह ने हमेशा ही प्रेरित किया। जब सविता स्कूल में थी तब उनके स्कूल के खेलों में एक खेल हॉकी भी था और उन्हें ये खेल काफी पसंद था। सविता इस बारे में कहती हैं कि उनके दादा को हॉकी का खेल बहुत पसंद था, यदि ऐसा ना होता तो वे आज शायद जूडो या बैडमिंटन का खेल खेल रही होती। सविता पूनिया की माँ का निधन सन 2001 में हो गया था और इस कारण घर के अधिकतर काम उन्हें ही करने पड़ते थे। उनकी माँ जब भी बीमार थी उस दौरान सविता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उनके दादाजी खुले विचारों के थे और हमेशा वो यही चाहते थे कि सविता देश के लिए हॉकी खेले और भारत में अपना नाम रोशन करे। जैसा अक्सर देखने को मिलता है कि परिवार के विरोध के बाद खिलाड़ी आगे बढ़ता है, ऐसा कुछ भी सविता के साथ नहीं हुआ था और यही उनके लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा बन गया। सविता हरियाणा में सिरसा के जोतकन गांव की रहने वाली है और यहां से हॉकी में आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर उन्होंने हिसार में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में एडमिशन ले लिया था। लेकिन यहां आना जाना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें घर से सेंटर तक 2 घंटे भीड़ से भरी बस में जाना पड़ता था। जब सविता खेल छात्रावास में थी तब उनकी लंबाई अपनी टीम में सबसे अधिक थी और इसे देखते हुए ही सविता पूनिया को टीम में गोलकीपर बनाया गया था। सविता पूनिया ने साल 2007 के दौरान भारतीय सीनियर नेशनल कैंप में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 4 साल का इंतजार करना पड़ा। उन्हें कैंप में 4 साल के इंतजार के बाद 2011 में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिला। उन्होंने हॉकी टीम में अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और देश की सफलता में एक अहम योगदान दिया। इसके साथ ही 2013 के दौरान वे एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। इस दौरान टीम ने कांस्य पदक को अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही सविता पूनिया को पहचान मिलना भी शुरू हो गई। 2015 में बेल्जियम में आयोजित किए गए FIH हॉकी वर्ल्ड लीग के दौरान सविता ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही भारत ने भी रियो ओलंपिक जो 2016 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ये वो समय था जब 36 सालों में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित की। इस ओलंपिक में सविता पूनिया ने अपने खेल से अपनी पहचान और जगह दोनों को मजबूत किया, जिसके बाद उन्हें एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2016 और एशिया कप 2017, एशियाई खेल 2018 में भारतीय महिला हॉकी टीम के अव्वल खिलाड़ी के तौर पर देखा जाने लगा। अपने अच्छे प्रदर्शन और गोल रोकने की क्षमता को देखते हुए ही उन्हें वॉल ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम भी कहा जाता है। 2018 में सविता पूनिया को हॉकी में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये थी दोस्तों सविता पूनिया के जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी।